तेजा मेले के तृतीय दिवस पर आयोजित जो सांस्कृतिक संध्या शाम को होती है, आज कांग्रेस पार्टी और सदस्य द्वारा ये कार्यक्रम होना था, क्योंकि एक हादसा हुआ, एक झूला संचालक हताहत हुआ है, उसके बाद मेला संयोजक सहसंयोजक पूरी टीम भाजपा कांग्रेस के पार्षदगण, कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद, हमारे सहसंयोजक राजेंद्र जी तुंगारिया, गोविंद जी पंडित, दलपत जी मेवाड़ा, भूपेंद्र जी पवार, राकेश जी साहू, विकास जी दगदी और साथ ही बीजेपी के हमारे प्रमुख मेला संयोजक त्रिलोक जी शर्मा, मंगल सिंह जी मोनू, हंसराज जी शर्मा, वेदराज जी भाटी, राजीव जी झवर प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, शंकर जी यादव, और सारे लोगों की एक ही भावना थी कि एक परिवार का कोई सदस्य गया है और उसके प्रति पूरा नगर परिषद प्रशासन, पार्षदगण, साथी, हमारे पूरे पार्षद, समस्त पार्षद दल उसके प्रति संवेदना रखता है और इसका लिए ये आज का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। सभी एक स्वर से सबकी एक ही इच्छा थी कि आज ये ऐसी दुख की घड़ी में ऐसे परिवार के साथ हमें, और साथ ही आयुक्त साहब से और मैं कलेक्टर साहब से चाहूँगा कि तत्काल इनको कोई मुआवजा दिया जाए, कोई इनको जो सरकारी योजना या जो इनके साथ घटना घटी है, और हमारी तरफ से भी प्रयास रहेंगे इनको इस आकस्मिक घटना के लिए जो मुआवजा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा मुआवजा इनको मिला जाए। ऐसी दुख की घड़ी में हम पूरा परिषद प्रशासन और हमारे पार्षद साथी, हम उस परिवार के प्रति संवेदना रखते हैं और एक स्वर में इस कार्यक्रम को स्थगित रखते हैं। कांग्रेस जो अतिथिगण आज यहाँ आने वाले थे, उन्होंने भी परिवार के प्रति संवेदना जताई है और उन्होंने भरे मुंह से कहा कि इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए, तो सभी ने एक राय होकर ऐसे परिवार के प्रति संवेदना जताई है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, ऐसी हम सरकार से मांग करेंगे, ऐसा ही हम सबकी भावना है। मैं चाहूँगा हम सब लोग 2 मिनट का मौन रख के उस परिवार को संवेदना करें उस व्यक्ति के प्रति। एक दुखद हादसा मेले के दौरान करंट लगने से एक महिला की मौत होने के चलते तमाम प्रशासनिक अमला और राजनीतिक पदाधिकारी, सभापति महोदय, मेला संयोजक और उप संयोजक, तमाम अतिथियों के सहयोग से और सभी की राय शुमारी के पश्चात उस परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं और इस दौरान फिलहाल सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर हमारे बीच में आयुक्त महोदय भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आज तेजा मेला में जो दुखद घटना हुई, उस घटना को देखते हुए माननीय सभापति महोदय, नगर परिषद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेला संयोजक, सह संयोजक, सभी लोगों ने यही निर्णय लिया कि आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किया गया है और जिस परिवार के साथ ये दुखद घटना हुई है उसके साथ नगर परिषद और सभी प्रशासन उनके साथ उनको जो यथासंभव सहायता मदद होगी मदद करवाई जाएगी। धन्यवाद। तो ब्यावर की जनता से क्षमा चाहेंगे, आज एक बहुत ही दुखद हादसा यहाँ पर घटित हो गया है मेले के दौरान करंट लगने से। हालांकि झूले में करंट नहीं आया, लेकिन झूले वाले जो कि बिचली तालाब के पाल के बीते जो सीढ़ियाँ का द्वार है वहाँ पे पास में एक जो त्रिपाल पर परिवार रहता है, झूले का परिवार रहता है, और वो इस दौरान एक घटना घटित हो गई, बरसात के चलते करंट आया और उस दौरान में पति पत्नी और उसका भाई जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अचानक तेज करंट महिला को आया और दर्दनाक मृत्यु हो गई है। पति भी घायल बताया जा रहा है, फिलहाल आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर है या नहीं है डॉक्टर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और जांच रहे हैं, परख रहे हैं और सेहत संबंध में उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, पूरा प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है, देख रहा है। लेकिन फिलहाल बहुत ही कड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि आज की जो सांस्कृतिक संध्या जो है उसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि मेले पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया, जो जनता आ रही है मेले में घूम रही है, फिलहाल पूरा मेला क्लोज नहीं हुआ है, बल्कि सांस्कृतिक संध्या जो है वो सांस्कृतिक संध्या जो आज का जो कार्यक्रम होना था वो कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और आपसी सहमति से ये निर्णय लिया गया है और इस सहमति के साथ में उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है और तमाम जो अतिथि यहाँ पर आने वाले थे उन अतिथियों ने भी फ़ोन पर इतला कर साफ कह दिया है कि ये सांस्कृतिक संध्या में वो शिरकत नहीं करेंगे और ऐसे में सभी लोगों ने एक राय होकर इसे स्थगित करने का फैसला किया है और सरकार से मुआवजे की मांग उठाई गई है और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासन है, वो भी उस परिवार के साथ में मौजूद है, संपत्ति है, उन सहमति जो भी इनकी सहमति बनती है और आखिरकार मुआवजे की मांग उठाई जा रही है और पूरे शोक संवेदना में बड़ी तकलीफ़ की बात है क्योंकि एक परिवार की महिला
जिसका निधन हो जाने के चलते ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है और ऐसे में आज का ही सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित किया गया है। तो मैं पूरी ब्यावर की जो जनता है उनसे सभी के प्रति, जो परिवार है जिसके ऊपर ये गहरा दुख हुआ है, उनके प्रति हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। और ये जो कार्यक्रम स्थगित करने का जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं उस परिवार के प्रति समर्पण भाव दिखाने के लिए और साथ ही पुरजोर तरीके से मुआवजा दिलाने की मांग के साथ में, और उनको ये कहते हुए कि हम आपके साथ हैं। और शोक की इस घड़ी के अंदर ये जो हादसा हुआ है वाकई में ब्यावर के लिए दुख की घड़ी तो है ही, लेकिन फिलहाल ये फैसला हो चुका है कि सांस्कृतिक संध्या जो आज की होगी वो स्थगित कर दी गई है।